भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में कप्तान रोहित शर्मा ने अब तक कमाल धमाल बल्लेबाजी की है। छक्कों की बौछार करने वाले इस धुरंधर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक नया रिकॉर्ड बना डाला है। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने अब तक जो रिकॉर्ड अपने पास संभाल कर रखा था उसे टीम इंडिया के कप्तान ने अब अपने नाम कर लिया है। मैं किस रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टीम इंडिया ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में गजब का प्रदर्शन किया है। लगातार 9 मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में कदम रखा। न्यूजीलैंड की टीम को सेमीफाइनल में भारत ने मात दिया और लगातार 10 जीत के साथ फाइनल में कदम रखा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में उतरी टीम के लिए कप्तान ने 43 रन की तेज पारी खेली, लेकिन अर्धशतक से थोड़ा सा चूक गए। आउट होने से पहले उन्होंने छक्कों का खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा ने 31 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 47 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर क्रिस गेल के छक्के का खास रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा के नाम 86 छक्के हो गए, जो किसी एक टीम के खिलाफ किसी भी बल्लेबाजी का एक रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 86 छक्के लगाए हैं। क्रिस गेल का नाम इस लिस्ट में अब दूसरे नंबर पर आ चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ विंडीज धुरंधर ने 85 छक्के मारे थे। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ 63 छक्के मारे थे। श्रीलंका के सनत जयसूर्य ने पाकिस्तान के खिलाफ 53 छक्के मारे थे, लेकिन अब इन सबसे आगे रोहित शर्मा आ चुके हैं। खैर, रोहित के इस परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे कॉमेंट में जरूर बताइएगा।